दोस्तों, 30वें दिन का खेल खत्म होने के बाद मोहम्मद सिराज ने बताया कि भारतीय टीम ने ऐसा प्लान किया था कि ट्रेविस हेड को अधिकतर बाउंसर गेंद ही डालनी है, चाहे नतीजा जो भी हो। पहले दिन हेड के खिलाफ बाउंसर ना करने पर कई सवाल उठाए गए थे। सिराज ने आखिर में छोटी गेंद डालकर ही हेड का विकेट लिया था। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के ओवल में खेला जा रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 30वें दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए हैं। फिलहाल कैमरून ग्रीन 7 और मानस लाबुशेन 41 रन बनाकर नाबाद हैं। भारतीय टीम अब चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द समेटने की कोशिश करेगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे, जवाब में भारत की पहली पारी 296 रन पर सिमट गई थी। ऐसे में पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 173 रन की लीड मिली। दूसरी पारी में 123 रन मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की अब तक कुल बढ़त 296 रन की हो गई है। दोस्तों, क्या टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला जीत पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।